हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्रणाम, मैं बुलेट सिंह। और माना कि इसका लुक थोड़ा हो गया अलग, कैफे रेसर जैसा नहीं हुआ है, इसका लुक हो गया थंडर बर्ड जैसा या हिमालय जैसा। जैसा हम लोग बैठ के और हैंडल ऊपर रहता है, हाथ ऐसा हो गया। सो ये भी गाड़ी का जो इस कैफे रेसर का थोड़ा लुक चेंज होने वाला है, इसका सीट भी चेंज होने वाला है। तो कल आपने देखा कि इसका हैंडल हमने चेंज किया, जिसकी वजह से 3-4 प्रॉब्लम हुए। क्लच वायर, कोई तो कॉल कर रहा है, क्लच वायर, एक्सीलेटर वायर और ब्रेक का जो ऑयल प्रेस पाइप है, वो पाइप भी बड़ा लाना पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ मुझे लेके आना है। तो यहाँ पे जो ये फ़िल्टर बैठ गया है, ये फ़िल्टर मस्त है, इसका ही फ़िल्टर है। सो ये देखो, निकाला मैं। तो मुझे यहाँ का 1, 2 और 3 स्क्रू लाना है कि हो रहा है काम। तो आज मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन करके सुखाऊँगा और इसको अच्छे से साफ कर दूँगा। इसमें मिट्टी उट्टी सब लगा है। अपना दुकान वाला बोल रहा था इसको 2 साल से इसी फेंक के रखा है। वहाँ पे देखिए, ये मैंने टाइट कर दिया निकलने का। यहाँ पे एक होल है जो गलत होल है, तो इसका जो होल है मुझे यहाँ पे करना है। ये देखिए, यहाँ पे सेम यहाँ पे होल करना है। एक मिनट, इसको निकाल लेते हैं। खाली हैंडल खोलना है और कुछ नहीं। निकाल लेते हैं बाकी वायर। तो भाई आ जा नीचे। चलो यो। तो यहाँ पे वापस से सब ओपन कर दिया जाते हैं। अब बाहर काम कराते हैं, कितना काम होएगा। और आज तो पूरी कोशिश करूँगा कि हैंडल को वापस से इंस्टॉल कर दूँ अच्छे से और गाड़ी को आज चलाओ रास्ते पे। तो कैसे पकड़ के रखा है मैं यहाँ पे, बिकॉज इसका जो यहाँ का एक्सेलरेटर ग्रिप होता है वो मैं भूल गया घर पे ही, घाई में। और एक्सेलरेटर और क्लच वायर ले लिया एवेंजर का, देखते फिट हो पाएगा कि नहीं, वरना पैसे लूज। ये देख कितना गैप है, ये गैप में छोटा रहेगा चलेगा, बड़ा हो जाएगा ना तो नुकसान होगा, तो छोटा रहेगा चलेगा। ये जाएगा कि नहीं, थोड़ा सा ऑफ एक लॉक हो गया यहाँ पे। सो इनका चैनल है, जाके एक बार चेकआउट कर लो। ओके, सही। ये किसको मालूम है यार, किसको मालूम है, किसको भी नहीं पता यार। यहाँ पे तो इसको बोलते हैं हाई फाई। चलो भाई जाके देख लो और हम काम पे निकलते, अपना काम हो चुका है। सो बाय गाइस। तो मुझे आज मालूम पड़ा कि भाई यूट्यूब पे बोईसर के नाम से बहुत सारे चैनल आ चुके हैं, स्टार स्टोरी स्टंट सब के पीछे बोईसर। क्या बात है, ये बोईसर कुछ बच्चे लोग थे। चलो भाई अच्छा है, मदद कर दी बच्चे लोग को। और यहाँ पे एवेंजर के 2 वायर में कंफ्यूज हो गया, तो समझाते गैरेज पे गया और मैंने जय का एवेंजर मंगाया और नाप के देखा, तो मुझे 2 एवेंजर के वायर ले लिया, एक्सेलरेटर एंड क्लच। हाँ से लाइन दिख रहा हूँ कि ये सीधा है क्या, हाँ ये इसी लाइन में है। और अपना एकदम तो पहले मैं एक्सेलरेटर वायर फाड़ लेता हूँ। अब थैली फट गया, अभी रिटर्न होगा नहीं। बड़ा है ये, पर ये भी काम आएगा बाद में, जब वापस कोई कैफे रेसर हैंडल दे दिया ये काम आए। इसको इसमें बिठाना है, काफ़ी बड़ा ये यहाँ तक आएगा। ये हम यहाँ पे होल में गए कि यहाँ पे ये रबड़ पकड़ लिया थोड़ा सा, तो ये रबड़ को यहाँ से मैं काट दूंगा तो ये फ्री हो जाएगा। थोड़ा क्लच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये यहाँ पे ऐसे आएगा तो इसको घुमा के यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। चालू नहीं हो रहा है, पेट्रोल तो बाद में आएगा, जब तक इस फिल्टर को भी खोल के देख लिया अंदर क्या हाल है इसका। वाह, टट टट अच्छा ही अंदर से, नहीं ये हो गया खराब। ये देखिए ये खराब हो गया, नया लाना पड़ेगा। मुझे क्या लगता है, ये जो फिल्टर है इसका मुंह, ये तो वायर से दबा, फिल्टर में इसका मुंह नहीं सट रहा, यहाँ पे गैप है, थोड़ा इतू सा गैप है। तो मैं ऐसा सोचा कि मैं घर पे जाके शूट करूँ कि नहीं, क्या शूट करना है ये, मतलब यहाँ पे कि हाँ मैं आरिफ के पास आया, आरिफ के पास एक एक्स्ट्रा व्हील और टायर पड़ा था जो बाद में उसको वापस देना है, और मेरा टायर तो पंचर हो गया, मुझे गाड़ी बाहर निकालनी है। तो मैं आया उसके पास और ये व्हील लेके जा रहा हूँ, अब पीछे ये व्हील लगाऊंगा और नया एक फिल्टर ले लिया जो फिल्टर बैग में है,
अभी उसका मुझे सिर्फ वो नट लेना है और उसका एग्जॉस्ट पाइप मतलब कार्बोरेटर का पाइप जो उसको फिट करे। ये दो तीन काम में फंस गया हूँ, तो सबसे पहले मैं फिल्टर फिक्स करूँगा। चलने के लिए तीन नट आ गए हैं कार्बोरेटर के लिए, ये पुराना वाला मतलब फिल्टर बॉक्स में जो लगेगा ये निकल गया। अब बिठाना है इस भाई साहब को। फिल्टर बॉक्स तैयार, यहाँ पे फिट कर देते भाई। एवरेज के लिए ठीक कर दिया है, मस्त काउंटर को पकड़ लिया है। और यहाँ पे फिल्टर भी लग गया। अब चेंज करने वाले इसका टायर, तो टायर चेंज करने का टाइम लिस्ट में देख लो फटाफट कैसे। इसमें आ गया एक बड़ी मुसीबत, इसका जो ड्रम रबड़ है एक दो तीन चार पाँच छः दाँत है, उसमें छः रबड़ लगता है। इसमें देखो एक दो तीन चार, अब ये रबड़ लेके आना पड़ेगा। और उसमें कितने खाँचे, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार, उसमें आएंगे चार खाँचे, तो नहीं हो पाएगा। तो मुझे इसको ही पंचर बना के लाना पड़ेगा। सेकेंड हैंड टायर है क्या तेरे पास? हाँ नहीं है, सेकेंड हैंड नहीं है। घर के बाजू में पंचर का दुकान है, आ गए बन जाए पंचर। चार बजे किसी को टाइम दिया था यार उसके साथ बूसर घूमने का, वो भी लेट हो गया। तो यहाँ पे खुशखबरी, टायर पंचर नहीं है, हवा निकल गया था। देखो भाई अभी फिट कर दो, चलो हाँ जी। तो अब जाके रेडी हो ही गया, सब उथल पुथल पूरा गाड़ी आधा खोल के ऑफिस फिटिंग कर दिया है। तो अभी जाते हैं गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेते हैं, कैसा मतलब पीठ वीठ हाथ में दुखेगा क्या, क्योंकि हैंडल चेंज कर दिए हैं। ये हैंडल की वजह से गाड़ी मुझको ऊपर लग रहा है, मालूम है क्या, देखिए ना रियली मुझको गाड़ी ज़्यादा ऊपर लग रहा है, ये देखिए। मजा आया, बस मुझे थोड़ा ब्रेक को स्ट्रॉन्ग करना है, ब्रेक पाइप चेंज करना पड़ेगा। ओके बाकी सीट तो ये सीट भी काफी अच्छा लग रहा है यार, लेकिन बुलेट का सीट डाल के देखेंगे इसमें। आया बाहर एक मिनट, और अभी जा रहे एक सब्सक्राइबर, पता नहीं यूट्यूबर ही है, वो बोल रहे कि हमको बोसर घुमा दो, तो चलो टाइम है तो घुमा देते हैं। उनको बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है और ये रेडी। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे पल्सर का एक कवर लगा दो बोथ साइड, मस्त लगेगा यार। इसलिए मैं किसी को मना करता हूँ कि भाई मुझसे मिलने मत आ, क्योंकि मैं जो टाइम बोलता हूँ मैं वो टाइम पर पहुँच नहीं पाता, क्योंकि मैं खुद अपने कामों में इतना बिजी रहता हूँ। अभी कहते ना कैसे घाई घाई करके मैंने बाइक का शॉर्ट राइड लेके आया, वरना मुझे आरिफ को दिखाना था, सबको बताना था, क्योंकि बाइक का जो पोजीशन है ना यार एकदम लाजवाब हो गया। चलो तो तुम ही हो, बोलो भाई सुनाओ फिर क्या बोलिए ना।
चलो टूर के लिए जाना है। अभी कुछ आपको लटका है, क्या बात कर रहे हो, चेस्ट कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं, बोलो और बोलो। अच्छा मैं इस बंदे के साथ एक व्लॉग शूट कर रहा था तो ये इसके साथ आ जाऊंगी पूरा, पता नहीं। कल देख मुंबई का निखिल का जो बाइक का है उसका टाइगर का भाई, जो धूप में अलग अलग कलर दिखता है, देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा उसके पास है। चलो भी इनके साथ चलते हैं, बाय बाय। चले फिर कभी जरूरत पड़ी तो मैं बताऊंगा, ऐसे अचानक से नहीं। ये तो आज तो तुम्हें चलो टाइम मिल गया कि गाड़ी का काम हो गया मेरा, तो जस्ट गाड़ी का काम ख़त्म करके आया था। चलो फिर मिलेंगे, ओके बाय बाय। तो जस्ट थोड़ा सा टाइम लैप्स लिया है और बाकी मस्ती करते हैं यहाँ पे। और चिंचिन बीच की हाल बोले तो बहुत गंदा हो गया, पता है बहुत सारे केमिकल आ गए यहाँ पे यार। ये कैसे केमिकल है, बिकॉज बाजू में पता नहीं गोप्रो कितना चलेगा पानी में। ये वाह वेरी गुड, छुट्टी मारो मारो पानी, ये 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 वो या चप्पे चप्पे हो गए, रूडी चप्पे चप्पे हो गए, मारो मारो। एक शॉर्ट वीडियो है मेरे पास कि रूडी थोड़ी देर पहले पानी में आने से कितना रो रहा था, वो देखिए। मजे पानी आएगा मत। तो ये जो वीडियो है इसी बाइक पे और बंदा भी यही है, तो कभी फुर्सत में भी आराम से सीखेंगे इनसे कैसे मार लिया भंड तुमने बनाओ।